फिर प्रसाद खाने जा रहे हैं बस। और मैं चावल और दूध का गोपाल जी को भोग लगा दी क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। सारी क्या, एक दुकान पे बाबू गया था तो वहाँ नहीं मिला, तो फाइनली दूध चावल का ही भोग लगा दिया। और मैं मशीन में पानी खोल के आई हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी छत पे और अपने कपड़े लगाऊँगी। तुम लोग खाना खाने जा रही हो? ये लोग खाना खा रहे हैं, देखिए अगला है और यहाँ कृतिका है, उनको मम्मी खाना दे रहे हैं। कैसे खाओगे तुम? नीचे चावल और आगे पीछे हो के बैठो, पीछे हो बैठो, प्रसाद खा रही पीछे। तो गए यहाँ पे, शाम हो गई है और शाम को बाबू को मैं मैंगो शेक बनाने के लिए आई हूँ किचन में, और साथ में मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और दूध भी उबाल रही हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। अभी मैं बाबू के लिए आम छील के इसको मिक्सर में पीसूँगी और उसमें दूध डाल के बाबू को दे दूँगी, क्योंकि बाबू मेरा आम खाता ही नहीं है। इस तरह से मैं करती हूँ, तो कोई ना कोई उपाय लगा के बाबू को खिलाते हैं, नहीं तो वो बहुत खाने में बहुत नखरे दिखाता है मेरा बेटा। इस तरह से देखिए मैं पीस के उसको मिक्स फ्रिज में रख दी हूँ, अच्छा है यहाँ पे बना रहे अपने लिए। और यहाँ पे जो सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं फ्रिज में से बाहर निकाल दिया है मैंने, और यहाँ पे सारे कूड़े कूड़े जाने बाहर फेंक के आ गए हूँ मैं। और अब मैं चाय पीती हूँ और अभी मैं एक दीदी हैं उनके लाइव से उठी हूँ, उनके लाइव में जुड़ती हूँ। तो यहाँ पे लाइव से उठने के बाद मैंने बनाई है देखिए सब्जी, और मेरे जो छोटे वाले देवर जी हैं तो वो अभी जा रहे हैं, उनका टाइम हो गया। तो मैंने यहाँ पे तोरी वाली सब्जी बनाई है जल्दी जल्दी से, तो उनको टिफिन दे दिया गया वैसे चलेगा। तो अब मैं दिया जलाने जाऊंगी। मेरा मॉडल का काम ना बिल्कुल हो गया, सारे वायरिंग कर दिया, सिर्फ दो वायरिंग बची, एक वायरिंग करके मेरा मॉडल। मेरा बाबू ने इतना मॉडल बनाता है, इतना स्कूल मॉडल बनाता है। और गाइस मेरी जितनी वीडियो है ना उतने सब्सक्राइबर, उससे ज़्यादा कर दीजिए आप लोग प्लीज, और मुझे सपोर्ट करिए गाइस आप लोग। तो मैं जाती हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे बाबू कहाँ गए? लाइट्स ऑन कर लो, अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो मैं मंदिर में अपने पूजा घर में दिया जलाऊंगी और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने शनि देव के मंदिर। चलोगे बाबू शनि देव के मंदिर? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ बस फैन से। तो घर में अपने पूजा घर में आ गई हूँ, और देखिए हमारे घर में जो बड़े पापा हुए थे तो फूल वाले को हम मना कर दिए थे, तो आज फूल वाले अंकल आए तो मेरे को इतना सारा गुलाब का फूल देगा और गेंदा का, तो आज भगवान जी को भर भर के फूल चढ़ेगा हमारे। तो मैंने सुबह में फूल थोड़े से चढ़ाए थे और थोड़े से बच गए, तो फिर शाम को भी चढ़ा देती हूँ। और देखिए भगवान जी बैठे हैं, तो मैं शाम वाला पूजा करने के लिए मंदिर में आई हूँ, करते हैं पूजा और थोड़ा सा फूल को मैं वहाँ पर लेके जाऊँगी। मंदिर जो है मंदिर है हमारे घर के बगल में, वहाँ पर लेके गोपाल जी हैं और मैं इनको चढ़ाऊँगी फूल गुलाब का। वो अंकल हमको माला ही दे दिए थे पूरा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना हमारे गोपाल जी। देखिए बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मेरे गोपाल जी कितने फूलों में अच्छे लग रहे हैं, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे भगवान जी। हमारा देखिए पूजा हो चुका है, देखिए कितना सुंदर हमारा मंदिर लग रहा है। तो मैं ये दिया ले जाऊंगी तुलसी जी को जलाने के लिए, और ये दिया मैंने हनुमान जी के लिए जलाया है, और ये दिया सब भगवान जी के लिए जलाया है। देखिए ये वाले दिया मैं तुलसी जी के पास ले जाऊंगी, और वो हनुमान जी के लिए जला रही हूँ, और ये सब भगवान जी के लिए। देखिए हमारे भगवान जी, तो चलते हैं ऊपर तुलसी जी के पास।
तो देखिएगा मैं तुलसी जी के पास दिया लेके जा रही हूँ। पर तुलसी माता देखिए, इस तरह से मैं तुलसी जी को भी अपना दिया लगा देती हूँ इस तरह से। और तुलसी जी को दिया लगा दिया मैंने, अब जाऊँगी मंदिर। चलिए चलते हैं मंदिर। रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 10, अब अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं ना कि मेरे को हलवा बनाओ, अब उनको हलवा खाने का है। तो मैं यहाँ पे देखे बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए हलवा, आटे का हलवा बनाओ। तो देखिए गाइस, खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने कर दिया हलवा खाने का डिमांड, और मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। तो रात के बज रहे हैं 10 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आटे का हलवा। तो उनको आजकल मीठा खाने का पता नहीं क्यों बार बार मन कर रहा है, तो बोले कि मुझे हलवा ही बना दो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, इसके बाद अपना खाना निकालूँगी और खाऊँगी। तो फिर उनको हलवा मीठा बार बार मन कर रहा है खाने का। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।